छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां पर बालोद के करही भदर गांव में लोगों ने देसी शराब की दुकान खोलने की मांग की है। इसको लेकर बाकायदा ग्रामीण गुरुवार को दूसरी बार सरपंच के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए और 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक ओर शराबबंदी को लेकर जहाँ हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। वहीं बालोद में गाँव के लोगों ने देसी शराब की दुकान खोलने की मांग कर दी। इसको लेकर बाकायदा ग्रामीण गुरुवार को दूसरी बार सरपंच के साथ कलेक्ट्रेट पहुँच गए और 4 सूत्री ज्ञापन सौंप दिया। ग्रामीणों की मांगों को प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं देने से ग्रामीण नाराज है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रमुखता से शराब की दुकान खोलने की मांग हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध शराब को लेकर कई बार शिकायतें हुई, कार्रवाई भी होती है, इसके बावजूद अवैध शराब पर किसी तरह से कोई लगाम नहीं लग पा रहा। इससे बेहतर है कि गाँव में शराब की दुकान को खोला जाए। हम लोग 3 माह से कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। 4 सूत्री मांग को लेकर हम लोग दिए थे। इसमें है पहला शराब भट्टी, दूसरा उप तहसील, तीसरा थाना और चौथा है अतिक्रमण। मगर अभी 3 माह हो गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण से हम लोग 14/6/23 को बुधवार अनशन में बैठने वाले हैं, शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। भोमराज साहू करहीबदर ग्रामीण अध्यक्ष। बालोद से मोइन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।